हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव के दो पार्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसे सेविंग फंक्शन भी बोला जाता है बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। ये सेविंग और इनकम के बीच रिलेशनशिप शो करता है, इसलिए इसे सेविंग फंक्शन भी बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि मैंने अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव किया। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से, जिसका फॉर्मूला है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो टेबल हमारा वही रहेगा ताकि अलग अलग टेबल हमें याद ना करना पड़े। इनकम में 100 का गैप और हमारे कंजप्शन में 80 का गैप। इनकम रहेगी 0, 100, 200, 300 और 400। बात करें कंजप्शन की तो कंजप्शन रहेगा 40, 120, 200, 280 और 360। तो सेविंग हम निकाल लेंगे। सेविंग कैसे निकालेंगे हम इनकम से माइनस कर देंगे हमारा कंजप्शन, हमारे पास सेविंग आ जाएगा। और जब हमारे पास सेविंग आ जाएगा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालेंगे हम, सेविंग को डिवाइडेड कर देंगे हम इनकम से। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैं 40 का कंजप्शन कर रहा हूं, तो ये 40 रुपीज कहां से आएंगे, मेरी इनकम से, जो मेरी सेविंग होगी उससे। और सेकंड पॉइंट पे जब मेरी इनकम 100 है, मतलब मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और मैं खर्चा कर रहा हूं 120 का, तो इसमें जो 20 रुपीज है वो कहां से आएंगे, मेरी सेविंग से। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इसको बोल सकते हैं हम डिस सेविंग। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में मेरी इनकम 200 है और मेरा कंजप्शन 200 है, जहां पे मेरी सेविंग जीरो है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन और सेविंग इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारी इनकम 300 है और कंजप्शन 280 है, सेविंग आ जाएगी हमारी 20 को डिवाइड कर देंगे, यस 20 को डिवाइड कर देंगे हम इनकम से, 300 से हमारे पास एपीएस आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में भी 400 हमारी इनकम है, कंजप्शन हमारा 360 है और जो हमारी सेविंग आएगी वो आएगी 40। हम क्या करेंगे, सेविंग को डिवाइड कर देंगे इनकम से, हमारे पास एपीएस आ जाएगा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैन एपीएस बी नेगेटिव, क्या हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान से देखो इस टेबल में, क्या हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव है, यस इस पॉइंट पे हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव है। किस पॉइंट पे, जहां पे हमारी इनकम कम है और हमारा कंजप्शन ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं यस एपीएस बी नेगेटिव APS be negative at point when expenditure is more than income, मतलब हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी इनकम कम है, उस पॉइंट पे APS नेगेटिव है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिससेविंग, पॉइंट ऑफ डिस सेविंग। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एपीएस नेगेटिव है वो किस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट पे जहां पे हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब खर्चा ज्यादा है। यहां पे मैं कंजप्शन ज्यादा कर रहा हूं, यहां पे मेरा कंजप्शन है 120 का और मेरी इनकम है 100, तो इसमें मेरी जो 20 रुपीज है वो आएंगे मेरी सेविंग से। तो मैं बोल सकता हूं कि यस एट द पॉइंट ऑफ डिस सेविंग एपीएस बी नेगेटिव। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट है कैन एपीएस बी जीरो। तो सबसे पहले हमें पता है एपीएस का फॉर्मूला है हमारा सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा हमारा सेविंग इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारी सेविंग किस पॉइंट पे जीरो होगी, हमारी सेविंग इस पॉइंट पे जीरो है, कहां पे, जहां पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, मतलब जितने पैसे मैं कमा रहा हूं उतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूं। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन
पॉइंट। तो यस मैं बोल सकता हूं यस एपीएस बी जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन और सेविंग हमारी जीरो है। लास्ट पॉइंट कैन एपीएस इज इक्वल टू वन, क्या एपीएस वन के बराबर हो सकता है? तो अगेन हमें एपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो बहुत इजी है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू वन, और हमारा जो सेविंग है वो आ जाएगा हमारी इनकम के बराबर। तो अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैंने जितना पैसा कमाया वो सारे का सारा पैसा सेव कर लिया? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा सेविंग जो है वो कभी भी इज नॉट इक्वल टू इनकम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जितना पैसा मैंने आज तक कमाया वो सारे का सारा पैसा मैंने सेव कर लिया। इसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एक बार दोबारा देखते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है हमारा सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, और सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं यस एपीएस कैन बी नेगेटिव। किस पॉइंट पे? जहां पे हमारी इनकम कम है और हमारा कंजप्शन ज्यादा है, मतलब उस पॉइंट पे हम उस पॉइंट को बोलेंगे हम डिससेविंग। एट द पॉइंट ऑफ डिससेविंग हमारा एपीएस नेगेटिव है। सेकेंड पॉइंट, कैन एपीएस बी जीरो? यस हम बोल सकते हैं कि हमारा एपीएस जीरो है। किस पॉइंट पे? जहां पे हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर है, मतलब जितना पैसा मैं कमा रहा हूं उतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, मेरी सेविंग जीरो है। जहां पे मेरा कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम है, इसे बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। लास्ट पॉइंट, कैन एपीएस इज इक्वल टू वन? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितने पैसे मैं कमा रहा हूं उतने मैं सेव कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करूंगा ही। तो इसलिए हमारा एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू वन। अब देखते हैं हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और चेंज, कितना चेंज आया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब सेविंग में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया। तो यहां तक तो हमारा टेबल वही रहेगा, इनकम में 100 का गैप और हमारे कंजप्शन में 40 का गैप, और इनकम 0, 100, 200, 300 और 400, कंजप्शन 40, 120, 200, 280 और 360, हमारे पास सेविंग आ जाएगी माइनस 40, माइनस 20। इस पॉइंट पे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिससेविंग, और सेविंग रहेगी जिस पॉइंट पे जीरो उसके उसमें हम बोलेंगे इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन और 20 और 40। अगर बात करें चेंज इन सेविंग की, सेविंग में कितना चेंज आया, तो हमारी सेविंग में जो चेंज आ रहा है वो 20 का आ रहा है, और इनकम में कितना चेंज आया, तो हमारी इनकम में 100 का चेंज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब हम हमारी जो सेविंग है उसको डिवाइड कर देंगे हमारी इनकम से, 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आएगी हमारी 0.20, 0.20, 0.20 और 0.20। अब ध्यान से समझना इस टेबल को। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वन कब होगा। तो जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा उस समय होगा जब हम जो हमारी इनकम है उसको सेव करेंगे, जितनी हमारी इनकम है मंथली जब हम उसको सेव कर लेंगे, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वन रहेगा। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मतलब कि आपकी सैलरी कितनी है, 1 रुपीज। तो जब आपने अपनी सारी सैलरी को, मंथली सैलरी को आपने क्या किया, सेव कर लिया, आपने 1 रुपए को सेव कर लिया जो आपकी मंथली इनकम है, उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 रहेगा। इस ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलेगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 कब रहेगा, 0 उस समय रहेगा जब आपकी इनकम कितनी है, 1 रुपीज। तो जब आप अपनी इनकम को, पूरी इनकम को मंथली सेव कर रहे हैं, तो उस पे आपका एमपीएस कितना रहेगा, 1। और जब आप अपनी सारी इनकम को खर्च कर रहे हैं तब आपका एमपीएस
रहेगा जीरो। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जहां पे एमपीएस इज इक्वल टू वन है आपने अपनी इनकम को सेव कर लिया, और जहां पे एमपीएस इज इक्वल टू जीरो है उस पॉइंट पे आपने अपनी सारी इनकम को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अपनी सारी इनकम को क्या किया आपने, कंज्यूम कर लिया। अब जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारी इनकम जीरो है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम कंजप्शन कर रहे हैं 40 की, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोनोमस कंजप्शन। सेकंड पॉइंट की ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर होती है और सेविंग हमारी जीरो होती है। पॉइंट ऑफ डी सेविंग क्या होता है। पॉइंट ऑफ डी सेविंग होता है हमारा जब हमारी जो इनकम है वो कम है कंजप्शन से। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और हमारी इनकम कम है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ डी सेविंग। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, जो हमारा कंजप्शन है वो ओ एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट नहीं होता। तो हमारा जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, जो हमारा कंजप्शन है वो इस पॉइंट से इसलिए स्टार्ट नहीं होता क्योंकि हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी 40 का कंजप्शन कर रहे हैं। मतलब हमारी इस पॉइंट पे जो इनकम है वो जीरो है, हम जीरो पॉइंट ऑफ इनकम से भी कितने का कंजप्शन कर रहे हैं, 40 का। इसलिए हमारा जो कंजप्शन है वो ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं होता, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है जहां पे हमारी इनकम जीरो है और हमारा कंजप्शन 40 है। तो ये था हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।